सो हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो यहाँ पे यार काफी ज्यादा गुड न्यूज आ रही है, बहुत ही भयंकर वाली, कि यहाँ पे फाइनली Realme XT और Realme 3 Pro के लिए, दोनों के लिए अब आप मैनुअली लिंक से अपडेट कर सकते हो अपने Realme UI के ऊपर। और यार कल मुझे Realme UI का अपडेट आ गया था और इस पर काम शुरू हो चुका है। कल भी मैंने आपको काफी सारे फीचर्स के बारे में बताया था। आज अगर आपके फोन में अपडेट नहीं आया है, कोई फॉर्म वॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, सारे झंझट खत्म हो गए हैं। अब सिंपल आपको क्या करना है, आपके फोन में पहले तो जाके एक बार चेक जरूर कर लो, सेटिंग्स में जाओ और नीचे जाके सॉफ्टवेयर अपडेट में जाओ, और अगर आपको यहां पे अपडेट देखने को मिल जाती है तो उससे अपडेट कर लो। बाई चांस अगर आपको नहीं देखने को मिल रही है तो पहले नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसको दबा दो। उसके बाद आपको सिंपली, यार मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका डायरेक्ट लिंक दिया है, मैं आपको यहां पे Realme साइट का लिंक दूंगा। आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और अपनी Realme XT डिवाइस का नाम पढ़ लेना, ठीक है, कि मैं डायरेक्ट नहीं दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को शक होने लगता है कि ओरिजिनल है, नहीं है, गलत है, विश्वास नहीं होता आप लोग को मुझ पे, तो इसलिए मैंने यहां पे इसका दे दिया है। यहां पे सिंपली आपको देखने को मिल जाएगा Realme XT के लिए Realme UI V1.0, ठीक है। इवन अगर आपके पास Realme 3 Pro है तो उसके लिए थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा क्योंकि उसके बीच में काफी सारे फोन लॉन्च हो गए थे। तो Realme 3 Pro के लिए आपको थोड़ा सा और नीचे आके यहां पे देखना होगा जिसमें Realme UI वर्जन 1 देखने को मिलेगा। अपडेट यहां पे देख सकते हो, उतनी आपको देखने को मिलती है और फाइल साइज मैसिव 3.51 GB का देखने को मिलेगा। ये अगर आपके फोन में OTA भी आती है तब भी इतना ही GB का रहता है, तो ऐसा कुछ मत सोचना कि OTA का इंतजार कर लो, तो दोनों चीज सेम ही होती है, चाहे आप इससे करो चाहे उससे करो। अब आपको अपडेट कैसे करना है तो मैं आपको बता दूं, तो सिंपली सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही डाउनलोड के बटन पे क्लिक करोगे आपसे यहां पे पूछेगा पैकेज डाउनलोड विल कंज्यूम 3.52 GB ट्रैफिक, क्या आपके पास डेटा है तभी इसको ओके करना, डेटा नहीं है तो मत करना, ठीक है। वाईफाई अपना दूसरा देख लेना, अगर हो पाया डायरेक्ट लिंक मैं गूगल ड्राइव का, जिससे डाउनलोड स्पीड फास्ट आती है, उसका भी देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा बिलीव करते हो तो आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई फोन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपली आपको कंफर्म में टैप करना है। कंफर्म में टैप करने के बाद देख पाओगे कि आपका यहां पे डाउनलोडिंग शुरू हो गई है, तो यहां पे आपको दिखाता हूं, तो आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा कि डाउनलोड यहां पे हो रहा है, इस तरीके की फाइल आपकी यहां पे डाउनलोड होगी। तो स्पीड अगर आपकी अच्छी है तो ठीक ठाक हो जाएगा। अब यहां पे जैसे ही फाइल डाउनलोड हो जाती है, मेरे में तो ऑलरेडी अपडेट हो गया है तो मुझे डाउनलोड नहीं करनी है दोबारा से फाइल। अब आपको जाना है आपके फोन के फाइल मैनेजर के अंदर, फोन में ही आपको जो फाइल मैनेजर इनबिल्ड वाला देखने को मिलता है ये वाला, इसी के अंदर जाना है। उसके बाद आपको सिंपली फोन स्टोरेज में जाना होगा एंड नीचे आपको जहां भी आपकी फोन में डाउनलोड हुई है, जैसे अगर आपके यहां पे डाउनलोड्स में डाउनलोड हुई है या कहीं और आपने IDM से डाउनलोड करी है तो यहां पे हुई है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। आपको इसमें सिंपली एक बार टैप करना है और यहां पे देखो ऑप्शन आ जाएगा अपडेट सिस्टम, ऑल योर डाटा सच एज कॉन्टेंट मैसेज विल बी रिटेन इन दिस अपडेट, यू कैन बैकअप डाटा, ये सब लिखा हुआ आएगा। इसका सिंपल मतलब यह है कि आपका कोई भी डेटा वगैरह फॉर्मेट नहीं होगा, आपको बैकअप लेना है तो ले सकते हो, वैसे कुछ भी चीज इससे डिलीट नहीं होगी। जिस तरीके से आपके फोन में OTA अपडेट आता है उस तरीके से अपडेट होती है, सेम उसी तरीके से भी इसमें अपडेट होगा। अब आपको सिंपली अपग्रेड नाउ में यहां पर टैप कर देना है। अपग्रेड नाउ में आप टैप कर दोगे, आपको यहां पर थोड़ा प्रोसेस लेगा और आपका फोन चला जाएगा सिस्टम में जहां पे अपडेटिंग का ऑप्शन आ जाता है। अपडेट होने में 10 से 15 मिनट लगेगा, उसके बाद आपका फोन, मैं बता दूं, 2 से 3 बार रीबूट होगा, बार बार लगातार, ये चीज जरूर से ध्यान रखना, 2 से 3 बार रीबूट आपका फोन होगा, मेरा भी हुआ है, तो आप उसमें घबराना नहीं, आपका डेटा वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा। ये चीज ध्यान रखना कि आपका फोन यार 50% से ज्यादा एटलीस्ट चार्ज हो, ताकि जो अपडेटिंग प्रोसेस के टाइम पे आपकी बैटरी ना डेड हो, ना हो, ठीक है। तो ये भी चीज आपको जरूर से ध्यान रखनी है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास Realme XT फोन है तो Realme XT का एक टेलीग्राम अलग से ग्रुप है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप वहां पर पूछ सकते हो। उसके अलावा अपडेट भी देख सकते हो, अपडेट चेंज लॉग, काफी बड़े चीजें आपको यहां पर नई नई चीज देखने को मिलती है इस अपडेट के अंदर, और काफी अच्छा इंप्रूवमेंट भी देखने को मिलता है और काफी सारे बग्स भी देखने को मिलते हैं। तो अभी तो यार फीचर्स और बग्स के बारे में जरूर से मैं वीडियो धीरे धीरे बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा भी कि क्या क्या देखने को मिल जाता है, किस तरीके से है। तो स्टे ट्यून रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, उससे पहले यार अपडेट कर लो जल्दी से जाके अपने फोन को Realme UI के अंदर, और काफी अच्छा अपडेट है, बहुत ही अच्छा मैसिव चेंज आपको देखने को मिलेगा, काफी स्मूथ, काफी फ्लूइड भी देखने को मिलेगा। लेकिन देखो
जहाँ कुछ अच्छा आता है वहाँ पे कुछ नेगेटिव भी रहता है, तो बग्स भी रहेंगे ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि बग्स बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। वैसे भी पहली बिल्ड है और आप इसको स्किप नहीं कर सकते। और एक चीज़ और बता दूँ, आप कोई भी वर्जन पे हो, A14 पे, A16 पे, आपका ये डायरेक्टली अपडेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको A16 पे रहना है, A14 पे रहना है तभी अपडेट होगा, ऐसा कुछ यहाँ पे आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी उसकी। ठीक है, तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और बहुत सारे कमेंट करते हैं कि मेरा रियलमी एक्स3 फोन नहीं है, एक्चुअली मेरा रियलमी एक्स3 फोन है और मैंने अदर यूट्यूबर्स को देखा है जो कि रियलमी एक्स2 फोन को एक्स3 बना के दिखाते हैं। मैं नहीं यार, एक्स3 को एक्स2 नहीं बनाता हूं, और मेरा एक्स3 ही है और एक्स3 में ही अपडेट यहां पे आना रोल आउट हो चुका है, तो आप अब मैनुअली कर सकते हो, अब आपको कोई फॉर्म वॉर्म भरने की भी जरूरत यहां पे नहीं पड़ेगी। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो के साथ। मैं सब चीज शूट कर रहा हूं, बैटरी ड्रेन, बैटरी चार्जिंग, तो सब चीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटे के आइकन दबाओ। मिलता हूं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू ना नेक्स्ट वीडियो।